अगर आपकी एज 20 है या फिर 20 प्लस है तो आज की वीडियो में आपसे कुछ स्किन केयर टिप्स शेयर करूंगी जो आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मेरी स्किन की जर्नी भी 20 के बाद ही चालू हुई थी मेरे कॉलेज टाइम पे, जब मुझे नई नई चीज़ पता चली कि स्किन में ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं। तो मैं सारे टिप्स बताऊंगी जो मैं आज भी फॉलो करती हूँ एंड आप भी आराम से उसको फॉलो कर सकते हो। वही सारे टिप्स बताऊंगी जो मैंने अलग अलग जगह से सीखा है। सबसे पहले टिप जो मैंने कोरियन से ही सीखी है वो है डेली स्किन केयर रूटीन। कोरियन से रिलेटेड अगर कोई भी आर्टिकल आता है ना या फिर कोई भी वीडियो आती है तो मुझे लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती, लेकिन मैं कोरियंस की वीडियोस देखती रहती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने स्किन केयर करते हैं। तो उन्होंने दो चीज मेंशन की थी कि वो हर दिन है ना अपनी स्किन केयर रूटीन करते हैं और सनस्क्रीन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करते। तो मुझे बहुत पहले ही समझ में आ गया था कि स्किन केयर रूटीन ही एक ऐसी चीज है जो आपके स्किन केयर गेम को चेंज कर सकती है। तो मैं बहुत पहले से स्किन केयर रूटीन डेली करते आ रही हूँ एंड अभी मेरे पास है ना टाइम नहीं होता, तो मैं एक टेक्निक फॉलो करती हूँ कि मॉर्निंग में मैं अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो उसी समय मैं एकदम प्रॉपर स्किन केयर रूटीन कर लेती हूँ या फिर रात को। मैंने इस चीज़ को सीरियसली लिया है कि स्किन केयर रूटीन को मैं हर दिन करूंगी और इसने सच में मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। तो अगर आप 20 प्लस हो ना तो मैं आपको बोलूंगी कि स्किन केयर रूटीन चालू करो एंड हर दिन करो। नेक्स्ट टिप है जो मुझे बहुत लेट में समझ में आई लेकिन मैंने करना चालू कर दिया, वो है फेस ऑयल। पहले मैं एलोवेरा जेल से मसाज करती थी, लेकिन फिर मैं बाहर की वीडियोस बहुत ज्यादा देखती हूँ, उनसे मैं कुछ ना कुछ नया नया सीखती रहती हूँ। तो मैंने नोटिस किया कि वो ऑयल से बहुत ज्यादा मसाज करते हैं, तो फिर मैंने ऑयल से मसाज करना चालू किया। तब मुझे पता चला कि ऑयल से जब आप मसाज करते हो ना तो वो एक अलग सा ग्लो दे देता है। तब से आई थिंक मुझे ऑयल बहुत ज्यादा पसंद है, ऑयल से ही मैं मसाज करती हूँ। अगर कोई मुझे पूछता है ना एलोवेरा जेल या फिर ऑयल, तो मैं ऑयल ही बोलती हूँ। मेरे चेहरे में अगर आप एक अलग सा ग्लो देख रहे हो तो आई थिंक मैं उसका थोड़ा सा क्रेडिट ऑयल को दूँ, क्योंकि मैं हर दिन मसाज करती हूँ। तो अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको बोलूंगी कि आप एलोवेरा जेल से करो, फिर धीरे धीरे आप ऑयल को जुड़ाना एंड अगर आपको आदत हो गई है तो आप ऑयल से मसाज स्टार्ट कर सकते हो। ये सिर्फ नए लोगों के लिए जो मुझे पहली बार देख रहे हैं। अगर आपको नहीं पता मैं ऑयल से कैसे मसाज करती हूँ तो मैं फेस मसाज की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, इसके बाद जाके देख लेना। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपके सामने ऐसे ही आती हूँ एंड घर में भी ऐसे ही घूमती हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका स्किन इतना हेल्दी एंड ग्लोइंग कैसे दिखता है, तो उसका रीजन है फेस स्क्रबिंग। ये टिप मेरी सबके लिए, अगर आप 15 प्लस हो, 20 प्लस हो, 30 प्लस हो, आपको फेस स्क्रबिंग करना है हफ्ते में दो बार या फिर चलो एक बार स्टीमिंग लेते रहते फेस स्क्रबिंग जरूर करना। मैंने भी अपनी स्किन फ्रॉम दिस टू दिस इसी रीजन की वजह से इंप्रूव की है। मैं हर हफ्ते दो बार करती थी, लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती थी ना तो एक बार जरूर करती थी। तो मैंने ओट्स वाला अपना फेवरेट स्क्रब बताया कि मैं कैसे करती हूँ स्टीमिंग लेते लेते एंड और भी स्क्रब बताया, अगर आपको ओट्स वाला नहीं करना तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, जाके देखो एंड चालू करो। तो जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने बोला कि क्यों ने वीडियो चाहिए एंड आप लोगों ने डीएम भी किया। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली अभी थोड़ी देर पहले, उस पर जाके अपने क्वेश्चंस डाल दो एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो अपने क्वेश्चंस।